वेलकम बैक टू अवर चैनल यम्मी मम्मी सिंपल कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्पाइसी चिकन एंड वेजिटेबल सब कैरी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखें इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 पाउंड चिकन ब्रेस्ट, 1 कप ग्रीन पीस यानी कि मटर और 1 कप कैरेट्स यानी कि गाजर हमने लिए। इसके साथ हमने लिया है 500 ग्राम सब कैरी, 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। इसके साथ हम लेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट। और ये ऑप्शनल है, ये मैगी नूडल्स के साथ जो सैशेज आते हैं स्पाइस के, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये 7 ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। 3 to 4 टेबलस्पून हमें साथ चाहिए ऑयल। तो आइए शुरू करते हैं हमारा स्पाइसी चिकन वेजिटेबल सब कैरी। पानी जो सा था वो हमने बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, तकरीबन 1 लीटर। दूसरी तरफ पानी मैंने रखा हुआ था वेजिटेबल्स के लिए, उनको जो हमने बॉयल करना है। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं पानी में 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल। रीज़न ये कि जो पास्ता है वो आपस में स्टिक ना हो। तो अब हम डाल देते हैं सब कैरी। ये जैसे जैसे जो सा है वो सॉफ्ट होता जाएगा, ये नीचे होता जाएगा। अच्छा, इतनी देर में अब हम इसमें डालते हैं दूसरी तरफ कैरेट्स। और हमारे ग्रीन पीस, इनको हमने 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमने इनको क्रंची ही रहने देना है ज़्यादा। बस ये 1 से 2 मिनट तक बॉयल होंगे, इनको मैं ड्रेन कर लूँगी, उतनी देर तक हमारी सब कैरी भी रेडी हो जाएगी। ये देखिए आप, सब कैरी हमारी जो सी है वो खुद ही नीचे जा रही है। सामने से हल्का सा ऐसे, ये देखिए हल्का सा ऐसे बस मिक्स कर लें। और ये देखिए वेजिटेबल्स जो सी हैं उनको मैं ड्रेन करने लगी हूँ, उनको तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अच्छा जी, जब तक हमारी सब कैरी बॉयल होती है उतनी देर तक हम चिकन जो सा है उसको रेडी कर लेते हैं। स्टोव मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल। हमारा गर्म, अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। जैसे ही इस पर हल्का सा कलर आएगा तो हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे हम पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छा सा नाइसली इसके ऊपर कलर आ जाए।
चिकन की। अब हम इसमें डालते हैं स्पाइसेस बाकी की। हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून रेड पेपर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, 2 टेबल स्पून हमने सोया सॉस डाला है तो सॉल्ट जो सा है वो हम कम ही डालेंगे, तो मैं 1/2 टीस्पून इसमें डाल दूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अब हम पूरा अच्छी तरह से पकाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। आप इसमें चाहते हैं अगर आप हॉट सॉस की जगह पे आप इसके अंदर जो रेड क्रश्ड पेपर होती है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है और टेस्ट भी ऑफ कोर्स अच्छा हो जाता है उससे भी। और अब हम इसमें डालेंगे जो मैगी नूडल्स के साथ मसाला आता है वो, और हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फिर थोड़ी देर तक 5 से 8 मिनट तक और इसको पकाते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। इसे 6 से 8 मिनट हो गए हमें पकाते हुए, अब हम इसमें डालेंगे हमारी बॉइल्ड वेजिटेबल्स। कितने अच्छे इसके अंदर कलर आ गए हैं। बस इसे अब हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। वेजिटेबल्स को हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही उनका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उनको हमने ऐसे ही रखना है। बस अब हम इसे कवर कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। सब कैटी जो सी है देखें वो हमारी हो चुकी है रेडी। बस इसे अब मैं ड्रेन कर लेती हूँ जी। अब हम इसमें डालते हैं सकेरी, और इसे करते हैं अब हम अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, पास्ते के बारे में मैं आपको एक छोटी सी टिप देती जाऊँ। जैसे अगर आपने पास्ता राइट अवे यूज़ करना है तो आप उसको ठंडे पानी से ड्रेन ना करें, लेकिन अगर आपने पास्ते को बनाना है, थोड़ी देर है आपको बनाने में, तो आप उसे ठंडे पानी से ड्रेन करें क्योंकि उस तरह से वो स्टिक नहीं होता आपस में। तो ये देखिए, इसको अब हम उतनी देर तक मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इसे बस हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और ये है रेडी। पास्ता हो गया अच्छी तरह से मिक्स वेजिटेबल और चिकन के साथ, और अब मैं इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पे, और फिर उसके बाद हम इसे सर्व करते हैं। तो ये था फाइनल लुक हमारी स्पाइसी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी का। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स के जरिए बताइए आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट टाइम आपको फिर एक सिंपल सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।